नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 13 अगस्त दिन रविवार, तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि बिहार में आप किसकी सरकार चाहते हैं, और साथ में अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या 156,866 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 14 से 21 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 797 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,39,458 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,187 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन ने फिर से हरी झंडी दे दी है। दवा कंपनी एस्ट्रा ने शनिवार को कहा कि ब्रिटिश रेगुलेटर से हरी झंडी मिलने के बाद इसने कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण एक बार फिर से शुरू कर दिया है। एक वेंटिलेटर के बीमार पड़ जाने की वजह से इसे बीच में रोकना पड़ा था। इसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में शुरू होगी उड़ान। 30 सितंबर से बुकिंग शुरू होगा। छठ में आने वाले मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ी सुविधा। जी हां, दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में उड़ान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले मिथिलांचल के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इस बार छठ पर्व पर लोग पटना नहीं सीधे दरभंगा एयरपोर्ट उतरेंगे। शनिवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और ऐलान किया कि 30 सितंबर से ही विमानों में बुकिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए नवंबर से ही उड़ान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर। एनसीबी की छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया कुख्यात ड्रग पेडलर करमजीत, शायद थे अन्य गिरफ्तार। सुशांत सिंह की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी की टीम ने कल मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एनसीबी ने जिसे हिरासत में लिया उसका नाम करमजीत है। एनसीबी ने यह कार्रवाई कल मुंबई और गोवा में की गई छापेमारी की बात की है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान। जाने कितने चरणों में होगा मतदान। कोरोना के इस दौर में बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते कभी भी विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के लिए आयोग ने अर्धसैनिक बलों की संख्या के लिए गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया है। आयोग चुनावी तैयारी को लेकर संतुष्ट है। पिछली बार 9 सितंबर को चुनाव की घोषणा की गई थी और 5 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन कोरोना को देखते हुए संभावना है कि चुनाव 3 चरणों में हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम सोमवार को पटना पहुंच रही है। टीम द्वारा राज्य के 4 शहरों में निर्धारित जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव से संबंधित चुनावी समीक्षा की जाएगी। भारत निर्वाचन की टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का बिहार दौरे के कार्यक्रम में सबसे पहले सोमवार को मुजफ्फरपुर के होटल ब्लू डायमंड रिसोर्ट में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधुबुरा जिले के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद की हर दिन नई चिट्ठी सामने आ रही है। शनिवार को वायरल हुआ यह पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित है। पत्र में वैशाली के विकास प्रचार से जुड़ी 5 मांगे पूरी करने का अनुरोध किया गया है। रघुवंश बाबू की मांग है कि गांधी सेतु से हाजीपुर में कहीं भी एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाया जाए। विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली के द्वार पर विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली लिखा होना चाहिए। साथ ही रघुवंश प्रसाद ने अपने पत्र में लिखा है कि जगदीश चंद्र माथुर के स्मारक का जीर्णोद्वार कराया जाए। वैशाली के सभी तालाबों को जल जीवन और हरियाली मिशन में शामिल किया जाए। इससे पहले भी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने मनरेगा कानून में सरकारी और ST/SC के जमीन में प्रबंध का विस्तार करते हुए उसमें आम किसानों की जमीन को काम से जोड़ने का आग्रह किया था।
वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर सामने आ रही है, एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद की कुछ दिक्कतों को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में हाल ही में भर्ती हुए सिंह ने गुरुवार को राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस पर लालू ने उनसे कहा था कि वह जल्द स्वस्थ हो फिर बैठकर बात करेंगे। सिंह के विश्वास पात्र केदार यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी हालत कल रात काफी बिगड़ गई है। रात 11:56 पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। मनरेगा में सभी जरूरतमंदों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने श्रम बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। ग्रामीण विकास विभाग ने 30 करोड़ 28 लाख मानव दिवस के लिए बजट की मांग की है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के अपात्र लाभुकों की पहचान कर उसे रिमांड करने की समय सीमा 1 सप्ताह निर्धारित कर दी गई। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में 14,80,483 लोगों ने मनरेगा में काम करने की रुचि दिखाई है। इनमें से अभी 3,31,736 लोगों को जॉब कार्ड नहीं बने हैं। ग्रामीण विकास विभाग का दावा है कि जल्द ही वह जॉब कार्ड जारी कर देगा। वह चाहता है कि केंद्र सरकार मानव दिवस को बढ़ाकर 30 करोड़ 28 लाख कर दे। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाला व्यक्ति को पुलिस ने बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तार कर लिया है। एक नेता और व्यवसाय से ठगी करने के भी उस पर आरोप है। साहिबगंज की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले इस शातिर अपराधी को शनिवार को पकड़ा है। कृष्ण सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के धोकटी थाना क्षेत्र के ग्राम सिर मरवावा एवं करण छपरा का रहने वाला है। करीब 5.5 महीने बाद एक बार फिर से विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से आनंद विहार के लिए शनिवार को चल पड़ी। खास बात यह है कि बिना रिजर्वेशन वाले एक भी यात्री इसमें नहीं थे। ट्रेन के खुलने के दौरान यहां सभी अधिकारी और लोग इस कदर खड़े थे कि जैसे यह ट्रेन पहली बार खुली हो। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब लोग काफी खुश दिख रहे थे। लॉकडाउन के बाद यह ट्रेन भी बंद हो गई थी, जिसे शनिवार को फिर से चलाना शुरू किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में परीक्षा 1 अक्टूबर से 1.5 घंटे पहले आना होगा केंद्र पर व घोषणा पत्र भरने के बाद मिलेगी एंट्री। 1 अक्टूबर से शुरू हो रही पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सभी छात्रों को मास्क, ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर अपना लाना होगा। इसके बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना की ओर से मुजफ्फरपुर सहित तमाम परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के लिए निर्देश भेज दिया गया। इसी के साथ छात्रों का एडमिट कार्ड भी जारी बोर्ड ने कर दिया है। छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि भीड़ न लगे और सामाजिक दूरी का पालन हो सके। साथ में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को 6 फीट की दूरी बनाकर रहना होगा। अगले हफ्ते पूरे बिहार में नगर निकाय के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ सकती है। सफाई से लेकर पेयजल आपूर्ति तक रुक सकती है। जल जमाव का संकट झेल रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह चिंता की खबर है। नगर निकाय कर्मचारियों ने 18 सितंबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेट दे दिया है। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर सूचना दे दी है। इसकी सूचना सरकार के आला अधिकारियों को भी दे दी है। उनका कहना है कि बीते साल 6 सितंबर को हड़ताल के बाद सरकार से समझौते के बाद नगर विकास व आवास विभाग के सचिव ने अब तक लागू नहीं किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार की देर रात संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 के द्वितीय चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है। 24 छात्र छात्राओं के 100% प्राप्त किए हैं। बिहार में शुभ कुमार ने 99.997% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं छात्रा की कैटेगरी में बिहार टॉपर आकृति पांडे बनी है, उसने 99.959% प्राप्त की है। 100% में सबसे अधिक तेलंगाना के 8 विद्यार्थी है। इसमें दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 3, हरियाणा के 2 तथा गुजरात व महाराष्ट्र के 1-1 परीक्षार्थी शामिल है।
13 सितंबर यानी कि आज नीट की परीक्षा है, जिसको देखते हुए रेलवे ने स्टूडेंट की सुविधा के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों के जरिए परीक्षार्थियों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। पटना में 184 केंद्र पर नीट की परीक्षा होनी है। 72,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए। वहीं गया में 14 सेंटर पर नीट की परीक्षा का आयोजन होना है। जिन ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया उसमें डाउन पटना कटिहार इंटरसिटी जो 6:30 बजे शाम को खुलेगी, डाउन पटना सहरसा इंटरसिटी जो 6:30 बजे शाम को, पटना भवुआ इंटरसिटी 6:30 बजे शाम को, पाटलिपुत्र हाजीपुर मुजफ्फरपुर जयनगर इंटरसिटी 6:30 बजे शाम को। 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने इस प्रकार के स्पेशल ट्रेन का समय निर्धारित किया। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।